आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ए बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड विद ए स्पीड वी फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब कि एक बॉल है हमारे पास और उसको फेंका गया है बिल्कुल ऊपर, किस स्पीड के साथ? वी के साथ। किस हाइट पर था वो जो बॉल था? वो इनिशियली ग्राउंड से एच मीटर के हाइट पे था, एच मीटर ऊपर था, और उस पॉइंट से थ्रो किया गया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ये जो लेवल है ये ग्राउंड लेवल है, इससे एच हाइट ऊपर पे यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया ऊपर की ओर, किस स्पीड के साथ? वी के साथ। अब हमें आगे क्या बताना है? द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड एज। तो हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा उस बॉल को जमीन पे वापस पहुंचने में। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ये जो इनिशियल स्पीड है वो वी है और ये जो हाइट है वो दे रखा है एच। तो अभी मैंने इसको प्रोजेक्ट किया ऊपर की ओर, तो ये कुछ ऊपर की ओर जाएगा बॉल और फिर कहीं पे रुकेगी और फिर वो वापस नीचे फॉल कर जाएगी, ये सिचुएशन होने वाला है हमारा। तो मैं इस हाइट को एच वन मान लेता हूँ, मान लेता हूँ कि एच वन हाइट वो अचीव किया बॉल फर्दर। तो हम लोग यहाँ पे जो एक्सेलरेशन देख रहे हैं वो थ्रू आउट नीचे की ओर जी लगेगा। तो मैं यहाँ पे पहले वो टाइम निकालूंगा जिस टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो उस टाइम को मैं T1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, T1 टाइम में H1 हाइट को कवर किया। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जो हाइट होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं ना, वो हो जाएगा हमारा v² = u² + 2as वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ये हमारा वी स्क्वायर जो है इस पॉइंट पे नीचे से ऊपर जाने वाले मोमेंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है वी स्क्वायर होगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन माइनस जी के इक्वल होगा, तो 2 times g into h1 हो जाएगा। तो यहाँ से h1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी v² / 2g, ये हमारी h1 की वैल्यू आ जाएगी। अब h1 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? वो हो जाएगा सिंपली इस इक्वेशन को यूज कर लो आप, v = u + at। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माइनस जी, और टाइम को मैं t1 माना हूँ। t1 टाइम में यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँच गया है, तो यहाँ से हमें t1 भी मिल जाएगा। t1 कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा v / g। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। अब हमें पहला टाइम तो निकल गया, अब हमें दूसरा टाइम निकालना होगा। ये दूसरा टाइम कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है उसको मैं t2 मान लूँ, तो ये t2 भी निकालना होगा हमें, और t1 + t2 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो t2 निकालने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि कितना हाइट ये ट्रेवल किया। तो ये हाइट जो है वो h + h1 हो जाएगा, इतना हाइट ट्रेवल किया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई इस बार, और इस पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो हम लोग अब इस बाद वाले मोशन के लिए क्या देखेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, s = ut + ½ at². यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो s है वो h + h1 के इक्वल है, और ut हमारा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये टर्म कितना हो जाएगा हमारा? ½ g into time जो है वो t2 हमने माना है, तो t2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? t2 का स्क्वायर = 2/g into h + h1। अब h1 हमने निकाल रखा है यहाँ पे, तो ये पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/g into h+, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? यहाँ पे v² / 2g निकाला था, ये हो जाएगा हमारा टर्म।
अब हमारा टी टू स्क्वायर आ गया, तो टी टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर टू बाई जी इंटू एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। अब हमें टी वन प्लस टी टू निकालना है, तो टी वन प्लस टी टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कर लेंगे, तो फाइनल टाइम जो है वो हमारा टी वन प्लस टी टू होगा। ठीक है, तो ये टी वन प्लस टी टू जो है वो हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू टी वन की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी v बाई जी प्लस ये वैल्यू हमारी कितनी हो रही है, ये वैल्यू हो रही है टू बाई जी इंटू एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, ये हो रही है हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्वर्जन यूज करना होगा क्योंकि हमारे कोई भी ऑप्शंस इस फॉर्मेट में नहीं दिए हुए हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं ना v बाई जी प्लस रूट अंडर टू बाई जी इंटू एच प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा कन्वर्जन यूज करना होगा क्योंकि ऑप्शंस में आपने क्या देखा था v बाई जी कॉमन है, तो हमें v बाई जी कॉमन करने के लिए इस टर्म से भी v बाई जी कॉमन लेना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप गौर से देखना, यहाँ पे मैं रूट अंडर क्या कर रहा हूँ टू एच बाई जी, और फिर यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अलग से किसके साथ, जी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर से, और फिर वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर से, ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इस टर्म के साथ, और फिर इधर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि इस टर्म में इन दोनों टर्म्स में से वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी वी बाई जी प्लस वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, कॉमन कर लिया तो यहाँ पे तो केवल वन बचा, वन प्लस यहाँ पे क्या बच गया, ये वाला टर्म बच गई। अब ये वाली टर्म किसके इक्वल है, टू एच जी बाई वी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वी बाई जी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से ये टर्म हो जाएगी वी बाई जी प्लस वी बाई जी इंटू रूट अंडर वन प्लस टू एच जी बाई वी स्क्वायर। अब यहाँ से वी बाई जी को फर्दर आप कॉमन कर लो तो ये टर्म आ जाएगा वन प्लस रूट अंडर वन प्लस टू एच जी बाई वी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ऑप्शंस मैच कर लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार ऑप्शन थे हमारे, तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा मैच कर रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।